वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते ही हैं कि ये चैनल है आप लोगों के लिए मैनेजमेंट मंत्रा, एंड आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। और यहाँ पर हम पेपर टू मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर वन की भी कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत जल्द पेपर वन को कंटिन्यू करने भी वाले हैं। बट पेपर टू मैनेजमेंट एंड आपका जो लेबर वेलफेयर और कॉमर्स है, इसके लिए हम अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डन विद दी आई बी पार्ट, आई बी हम कर चुके हैं, मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट हमने कम्प्लीट कर लिया है ना, और अभी हम सेकंड यूनिट में इसकी आ चुके हैं और ये हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। तो जैसा आप जानते ही हैं, तो यूनिट सेकंड में हमने पर्सनालिटी पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े हैं। आज हम देखने वाले हैं इसकी का ही पार्ट परसेप्शन। इस परसेप्शन को हम कंप्लीट करने वाले हैं कुछ पार्ट्स में, लाइक व्हाट इज परसेप्शन, टाइप्स ऑफ परसेप्शन, सेक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, आपकी जो परसेप्चुअल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, परपेचुअल एरर्स जो होते हैं, परसेप्चुअल एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपके परसेप्चुअल स्किल्स को इंक्रीज करने में मदद करती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो गाइज, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं। तो चलिए, सो आता है आपका परसेप्शन। परसेप्शन, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को समझ लिया, परसेप्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हमारी आंखों के सामने जो चीज आती है, हम उसको जिस तरीके से देखते हैं वही चीज हमारे माइंड में रिसीव होती है, ठीक है? जो हम देखते हैं वही चीज हमारे माइंड में रिसीव हो रही है, और उसको जब हम रिसीव करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर थिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड द परसेप्शन। वही यहाँ पर भी हो रहा है। अगर देखा जाए ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। अगर मैं आज की बात करूं, जब हम बात करते हैं यंग पर्सन की और साथ ही साथ हम बात करते हैं जो ओल्ड एज पर्सन है उनकी, दोनों अपनी अपनी जगह पर कुछ बात रखते हैं और अपनी अपनी जगह पर दोनों ही सही रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि नहीं हम सही हैं और दूसरे को लगता है हम सही हैं। ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द परसेप्शन, ठीक है? तो यही आपका परसेप्शन यहाँ पर भी बताता है कि यहां से इस पर्सन को ये 9 दिख रहा है, वहीं इस पर्सन को ये 6 दिख रहा है। दोनों अपनी जगह सही भी हैं, बट दिस इज दी नजरिया, ये देखने का नजरिया है, जिस जगह से वो देख रहे हैं उन्हें वो चीज सही दिख रही है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ कुछ रॉड रखी हुई है, इस रॉड को अगर ये बंदा यहां से देख रहा है तो इसको 3 दिखाई दे रही है, बट यहां से अगर वो देख रहा है तो उसको 4 दिखाई दे रहा है। सो वाकई में इट इज वेरी रियली कंफ्यूजिंग। तो दोनों ही सही है, बट दोनों का यहाँ पर हम किससे सही मानेंगे? ये भी अपने आप को सही बोल रहा है, ये भी अपने आप को सही बोल रहा है, और अगर देखा जाए तो दोनों का सिर्फ नजरिया का अंतर है। तो परसेप्शन बेसिकली है भी यही चीज, है ना? ये हमारा माइंड गेम है कि हम किस चीज को कैसे ले रहे हैं। तो परसेप्शन एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है जो ट्रांसफॉर्म करती है आपकी सेंसरी स्टिमुलाइज को और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट कर देती है। और यही मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो आपने सुना, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया, उसी के बेस पर आपके माइंड तक वो बात पहुंचती है, और ये माइंड जो है वो उस चीज को जज करता है, और फिर किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन और किसी भी ग्रुप के लिए अपना वो ओपिनियन दे देता है। तो ये परसेप्शन आपका जो ओपिनियन है उसे क्रिएट करता है, और ये ओपिनियन इसी तरह से होता है। कोई चीज मैंने देखा, लाइक मैंने एक फ्लावर देखा, तो उस फ्लावर को देखकर मेरे माइंड में क्या थॉट आया, वो थॉट कि ये फ्लावर किस चीज का है या क्या है, व्हाटएवर द थॉट। किसी ने कहा कि दिस इज द लकी वन, इसे भगवान को चढ़ाना चाहिए, किसी ने कहा कि इसका जो बीज है वो मुझे अपने घर पर लगा देना चाहिए तो मेरे घर पर भी फ्लावर्स इसी तरह के आ जाएंगे। दिस इज टोटली द परसेप्शन कि क्या आपके माइंड में आ रहा है। सो परसेप्शन, कुछ लोगों ने डेफिनेशन भी दी है, जैसे कि एनमून की डेफिनेशन है, परसेप्शन इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है ये? एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जिसके द्वारा We interpreted our sensory input. हम अपनी sensory input को interpretate कर सकते हैं, मतलब हमारे जो senses हैं वो किसी चीज को किसी के बारे में बता सकते हैं। हमारे जो senses हैं, हमारी जो internal जो thinking है वो किसी चीज के बारे में बता सकती है, वो होता है आपका perception। वहीं अगर देखा जाए तो बोरिंग ईजी ने बताया हुआ है कि perception is the first event. Perception क्या है? एक पहला event है ना, इन द चेन विच लीड फ्रॉम द स्टिमुलस टू एक्शन, जो हमारी जो फैक्टर्स हैं उनको एक्शन में लाने में मदद करता है, स्टिमुलस को एक्शन में लाने में मदद करता है, मतलब फैक्टर्स को एक्शन में लाने में ये मदद करता है, दैट इज द परसेप्शन। दोनों ने ही अपनी अपनी डेफिनेशन दी, और दोनों में ही एक बात बड़ी ही कॉमन है, जैसा आप जानते भी हो, वो ये
कहीं ना कहीं हमारे सेंसरी ऑर्गन्स तक ये बात पहुंच रही है, जब हम जो चीज देख रहे हैं, जो चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, परसेप्शन देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आई ये चीज? आई थिंक क्लियर हो चुका होगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। नहीं हुआ, जिसको हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ आगे आने वाली स्टेप्स जो है उनमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आप देखो परसेप्शन को यहाँ पर डिवाइड किया है 6 टाइप्स में। इस बेसिस पर हम सुनकर परसेप्शन देखते हैं, हमने कुछ साउंड आया तो हमने उससे जो चीज रिसीव की उसके बेसिस पर हम अपना परसेप्शन देखते हैं। फिर टच, किसी चीज को फील करके, कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने फील करके, हमने उसे टच करके, हम फील करके हम यहाँ पर उसके लिए परसेप्शन बना सकते हैं कि वो चीज कैसी है ना, वो चीज कैसी है हम उसको देखकर बता सकते हैं। जैसे कि सॉफ्ट टॉयज को लेकर हम हमेशा परसेप्शन बनाते हैं, यार ये बड़ा कूल होगा, बहुत ही ज्यादा सॉफ्टी होगा, तो ये होता है। और वहीं अगर हम किसी ऐसी ऐसी टाइल्स को देखें, कैक्टस को देख के हमने हमारे माइंड में एक कैक्टस को टच करके एक परसेप्शन होता है, यार ये तो हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। दैट इज अ परसेप्शन जो टचिंग द सरफेस के वजह से होता है। वहीं स्पीच की अगर हम बात करें तो ऑफ स्पीच यहाँ पर आपकी द कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरप्रिटेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साउंड ऑफ लैंग्वेज हियर्ड, जो हम सुन रहे हैं, जो साउंड हम सुन रहे हैं, सामने वाले जो बोल रहा है उसकी जो लैंग्वेज है उसको जब हम सुन के समझ रहे हैं उसके बेसिस पर भी हम परसेप्शन डिसाइड करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई आप ही की लैंग्वेज में बात करता आपको मिलता है तो यू आर वेरी मच कम्फर्टेबल विद दैम, तो वही वाला फंडा यहाँ पर भी है कि एक परसेप्शन बन जाता है, यार ये तो मेरे ही साइड का है, मतलब मेरा ही भाई बंधु है। तो दैट इज द स्पीच कि आप यहाँ पर लैंग्वेज को सुनकर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और अपना परसेप्शन बनाते हो। ऑन द सोशल वर्ड, सोशल वर्ड में आप क्या देखोगे कि इट परमिट द पीपल टू अंडरस्टैंड द अदर इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ऑफ देयर सोशल वर्ड। यहाँ पर आप दूसरों को मौका देते हो कि वो आपको समझे और आप सोशल वर्ड से जुड़ जाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया है कि प्रिया एक बंदी है, वो एक रेस्टोरेंट्स में जाती है, उसे जिस रेस्टोरेंट में गई है वहाँ की कस्टमर सर्विस उसे बहुत पसंद आती है, तो उसने वहाँ से कुछ नई चीज गेन की, तो उसने यहाँ से परसीव कर लिया। अब वो यहाँ पर कई लोगों को मिली है जिसने उसने क्या किया, रिकमेंड किया कि यार उस प्लेस पर जरूर जाओ, वो प्लेस बहुत अच्छा है। तो दैट इज की लाइक इस तरह से क्या हुआ, तो प्रिया का परसेप्शन बन चुका है उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स के लिए। इसीलिए आजकल रेस्टोरेंट्स में कस्टमर सर्विस की तरफ बहुत ध्यान दिया जाता है, बिकॉज लोगों का परसेप्शन पॉजिटिव होगा तो उनकी माउथ पब्लिसिटी होना शुरू हो जाएगी, और यही माउथ पब्लिसिटी क्या करती है, आपकी गुडविल को इनहेंस कराती है। तो दैट इज द सोशल वर्ड, ठीक है, ऑफ द सोशल वर्ड ये हुआ। टेस्ट के बेसिस पर द एबिलिटी टू परसीव द फ्लेवर ऑफ सब्सटेंस, आपने कोई चीज़ अगर टेस्ट की हुई है तो जो आपका सेंसरी ऑर्गन है, जो आपके टेस्ट बड है, वो उसके लिए परसेप्शन बना देते हैं। लाइक आपने देखा कि कुछ चीज़ें आपको पसंद आती हैं, कुछ नहीं आती। जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैंने कॉफ़ी बाइट खाई, मुझे नहीं पसंद आई, तो दैट मीन्स कि माई परसेप्शन कि यार कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं होगा। तो वही वाला फंडा सभी के साथ होता है कहीं ना कहीं, तो दैट इज द परसेप्शन। अदर सेंसेस अगर देखा जाए तो दे अप्रूव परसेप्शन थ्रू बॉडी, ठीक है। तो अदर सेंसेस जैसे कि बॉडी, लाइक बैलेंस, एसेलरेशन, कहीं पर आपको किसी चीज से तकलीफ हुई है, या समय के अकॉर्डिंग, सेंसेशंस के अकॉर्डिंग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अदर तरीके से भी आपको चीज़ें जो है वो परसीव होती हैं। जहाँ से चीज़ें परसीव हो रही हैं, मतलब गेन हो रही हैं, वही चीज़ आपका परसेप्शन क्रिएट करता है, ठीक है। सो दैट इज द परसेप्शन। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक समझते जा रहे हो ना, भाई सीधी सीधी सी बात है, सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर आ गए, कान, टच, स्पीच, सोशल वर्ड अलग से ऐड हो गया है यहाँ पर, और अदर सेंसेस ऐड हो गए, बट दे आर बेसिकली वही चीज की कैसे चीजों को आप परसीव कर रहे हो। अब आ जाओ फैक्टर्स, अब परसीव यहाँ पर आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है, जब परसेप्शन क्रिएट हो रहा है तो दैट मींस कि कोई होगा जो इस परसेप्शन को रिसीव कर रहा है, वो पर्सन कहलाएगा परसीवर, है ना। तो फैक्टर इन द परसीवर, जैसे कि अगर मैं कहीं गई हूं और मैं किसी जगह पर अगर हूं तो मैं परसीवर हूं, मैं वहां पर परसीव कर रही हूं, मैं ऑब्जर्व कर रही हूं, तो मैं परसीवर हूं। तो मेरा एटीट्यूड, मेरा मोटिव, मेरा इंटरेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपेक्टेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें
उस पर्टिकुलर चीज का परसेप्शन बनाने में मेरी मदद करेगी। फैक्टर ऑफ टारगेट, जो भी मेरा टारगेट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी मार्केट में गई हूँ कोई शॉपिंग करने के लिए, मुझको एक छोटा सा प्लांट परचेस करना है, तो उस प्लांट के लिए जो मैंने अपना एटीट्यूड, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, वो यहाँ पर चीजें आएंगी। दूसरा, उस परसेप्शन को क्रिएट करने में जो टारगेट है, उस वो टारगेट कितना नया है ना, उसका मोशंस क्या है, उसका साउंड, उसका साइज, उसका बैकग्राउंड, उसकी प्रॉक्सिमिटीज, मतलब इनमें से कोई भी ऐसी चीज जो उस टारगेट को अचीव करने में मेरी मदद कर रही है। जैसे कि बैकग्राउंड, दैट मींस कि जिसने मुझे बताया कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट किस तरह का है और इसमें कितने फ्लावर्स निकलते हैं या कितने टाइम तक ये सही रह सकता है, क्या हम इसको छांव में भी रख सकते हैं, कम पानी में भी रह सकता है या नहीं, ये सारी इसकी क्वालिटीज को मैं जानना चाहती हूँ। तो इसका बैकग्राउंड, इसका साइज कितना है ना, और इसका जो प्रॉक्सिमिटीज को टच करके मुझे क्या फील आ रहा है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर पता करती हूँ, ठीक है, दैट इज दी। और इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है, मोशन ग्रोथ कितनी हो रही है, वो सब कुछ मैंने पता किया मेरे टारगेट से रिलेटेड। तो ये फर्क पड़ेगा। फिर फैक्टर इन दी सिचुएशन, जिस जगह से मैं इसको ले रही हूँ वो समय कौन सा है, किस जगह से मैं उसे परचेज कर रही हूँ, वहां पर सोशल सेटिंग कैसी है, तो वो सारी, लाइक मैं नर्सरी से उसे ले रही हूँ या मैं किसी अपने रिलेटिव से उसे परचेज कर रही हूँ या वहां से सिर्फ एक वहां से ले रही हूँ एक्स्ट्रा में, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो दे आर दी फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं हमारे परसेप्शन पर इम्पैक्ट डालते हैं। किसी भी सिचुएशन को ले लो, चाहे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, चाहे आप किराने का कोई सामान लेने जा रहे हो, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट लेने जा रहे हो, हर एक जगह पर ये सारे फैक्टर्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं कोई इमेज क्रिएट करते हो, वहीं से आपका परसेप्शन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे। अब आता है आपका परसेप्चुअल प्रोसेस। इतना कुछ पढ़ा है, अब प्रोसेस भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। इस डायग्राम को ना ध्यान से देखना, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको प्रोसेस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। प्रोसेस का ये शॉर्ट टर्म है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम किसी चीज को लेकर परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझ में आता जाए तो लाइक जरूर करते जाइएगा, ये लाइक बहुत जरूरी है, तो समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो जब भी हम किसी चीज को लेकर परसेप्शन क्रिएट करते हैं तो वो परसेप्शन ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता है, कुछ डिफरेंट स्टेज से होकर जाता है, जैसे कि रिसीविंग, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिस्पॉन्स। ये जो रिसीविंग, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड रिस्पॉन्स है, इसी को हमने RSOIR के नाम से हमने डिनोट किया है, इसका शॉर्ट टर्म। अब इस पिक्चर को देखते जाओ, रिसीव, इस पर्सन ने, दिस इज द मिस्टर ए एंड दिस इज द मिस्टर बी। मिस्टर ए ने यहाँ पर रिसीव किया, एक यहाँ पर एक जो सिक्स था वो उन्होंने रिसीव किया। रिसीव किया मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को उन्होंने देखा, इसको देखकर उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट किया कि यार इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ खड़े होकर देखना है। सबसे पहली चीज उन्होंने ये डिसाइड कर लिया। फिर उन्होंने अपने माइंड में ऑर्गेनाइज किया कि देखा कि भाई ये है क्या चीज, फिर अपना इंटरप्रिटेशन निकाला, और इंटरप्रिटेशन निकालने के बाद उन्होंने कहा कि यार ये तो सिक्स है। वहीं दूसरे पर्सन ने क्या किया, रिसीव किया एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिसीव किया, फिर उन्होंने सिलेक्ट किया कि किस जगह पर वो खड़ा होना चाहते हैं, उन्होंने ये जगह सिलेक्ट की, उन्होंने अपने माइंड को ऑर्गेनाइज किया, चीजों को देखा, फिर इंटरप्रिटेशन करके बोला नहीं यार ये तो नाइन है। सो दैट इज दिस परसेप्शन प्रोसेस, कि आप सबसे पहले रिसीव करते हैं, फिर सिलेक्ट, फिर ऑर्गेनाइज, फिर इंटरप्रिटेड एंड फिर रिस्पॉन्स। ये पांचों की पांचों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस एग्जाम में पूछी जाती है ना, ये प्रोसेस एग्जाम में पूछी जाती है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब इसको एक छोटा सा डिटेल देख लेते हैं। इनपुट जो थे वो आपके जाते हैं, इनपुट में आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। फिर होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन किया जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, हमारे मन में क्या हमारी बातें चल रही हैं, और एक्सटर्नली हमको जहाँ प्लेस मिली हम वहाँ खड़े होकर उन चीज़ों को देख रहे हैं। फिर हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज कर लिया, लाइक आपने ग्रुपिंग कर लिया कि आपने देख लिया कि कौन सी चीज़ किससे सिमिलर है, प्रॉक्सिमिटी, इन सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में कई बार परसेप्चुअल एरर्स भी वहां पर आ जाती हैं, यस दैट इज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो वो परसेप्चुअल एरर के बेसिस पर, या फिर आपने जो एट्रीब्यूशन यानी कि आपने जो डिसाइड किया है उसके बेसिस पर इंटरप्रिटेशन तैयार करते हो और अपना रिस्पॉन्स दे देते हो,
लाइक आपका बिहेवियर, आपका एक्शन, आपका एटीट्यूड, फीलिंग, बिलीव्स, ये सब आपके रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो इस तरह से आप अपना आउटपुट बता देते हो। और यहाँ से आपने बोला कि भाई ये तो 6 है, और यहाँ पर आपने बोला नहीं ये तो 9 है। तो दिस इज द परसेप्चुअल प्रोसेस। क्लियर हुआ? सिंपल है, कोई टफ नहीं है। सिलेक्ट किया, कोई भी इनपुट था उसको सिलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, इंटरप्रिटेट किया, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, सिंपल सा है, रिसीव, सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रिटेड एंड रिस्पॉन्स। चलिए अब आ जाओ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ परसेप्शन। दिस इज दैट इज द परसेप्चुअल एरर। परसेप्चुअल एरर, दीज बैरियर्स टू परसेप्शन, ये परसेप्शन को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं, वो होती हैं आपकी परसेप्चुअल एरर। क्या क्या है वो परसेप्चुअल एरर, जरा देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। परसेप्चुअल एरर कहीं ना कहीं एक इनएबिलिटी होती है। क्या होती है ये इनएबिलिटी? होती है किस चीज को लेकर, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक इनएबिलिटी होती है किसी भी पर्सन की जजमेंट को लेकर, लाइक वो किसी चीज को जो जज कर रहा है, तो सही तरीके से अगर जज नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो इनएबिलिटी होती है वही आपकी परसेप्चुअल एरर को क्रिएट करती है। जैसे कि सिलेक्टिव परसेप्शन है ना, पहला आ गया आपका सिलेक्टिव परसेप्शन। तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो जनरली क्या करते हैं कि अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर है ना सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होता है सिलेक्शन करना। तो वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, जो चीज़ उनको पसंद है उस इंटरेस्ट के बेसिस पर, जो जिसके बारे में वो जानते हैं उसके बेसिस पर ही अपना कोई ना कोई सिलेक्शन वो लेते हैं। जिस फील्ड के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं है वो उसको जानना ही नहीं चाहते हैं, तो जिसके बारे में वो जानते हैं उसी के बेसिस पर बस अपना आइडिया वो दे देते हैं। तो दैट इज द सिलेक्टिव परसेप्शन। ठीक है, तो ये होता है कि भाई जो चीज़ मुझे पता है मैं सिर्फ उसी को ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि इंटरव्यूज हुआ, जिसको वो बहुत अच्छे से जानते थे उस पर्सन को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, दूसरे को उन्होंने जानना ही नहीं चाहा। तो दैट इज द परपेचुअल एरर, सॉरी परसेप्चुअल एरर। ठीक है, सिलेक्टिव। एक होता है आपका स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का क्या मतलब होता है कि जो पुरानी धारणाएं बनी आती हैं उन्हीं को हम लेकर चलते हैं, जो पहले से ही लोगों के माइंड में टेंडेंसी है कि एक जनरल स्टेटमेंट है उसी को हम एक तरह से चला रहे हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि वुमन्स आर ऑलवेज अ गुड होम मेकर, ये एक स्टेरियोटाइप कह सकते हो, एक पुराना रूढ़िवादी या एक पुरानी धारणा बनी हुई है जो आज भी चलती है। ऑल्दो दे आर होती हैं, है ना, वो होती हैं नो डाउट, बट वो एक बेहतर तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस भी कर सकती हैं। ये फीमेल्स के लिए बोला जाता है, कंपैरेटिवली मेल की, मेल के कंपैरिजन में वो एक अच्छी हाउसवाइफ हो सकती हैं, एक अच्छी होममेकर हो सकती है, और साथ ही साथ वो वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं कंपेयर टू मेल, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि वो अपना घर और परिवार दोनों संभाल रहे हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, प्लीज़ इसको लाइक ये मत समझना कि मैम फीमेल्स को साथ दे रही है, नहीं ऐसा नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है। जैसे मेल्स के लिए कहा जाता है दे आर लाइक वो शो नहीं करते हैं बट दे आर मोर स्ट्रॉन्ग दैन फीमेल्स, वो शो नहीं करते बट उनके अंदर फीलिंग्स बहुत होती हैं और वो क्या करते हैं ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं मेंटली, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये कुछ धारणाएं बनी हुई हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पर जो परसेप्शन क्रिएट होता है वो यहाँ पर बताया गया है। बट ऐसा नहीं है, जब आप कुक रखते हैं, अगर आप देखेंगे तो कुक अगर आप रख रहे हो क्या, तो उसमें मेल और फीमेल्स दोनों आते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो होती है वो फीमेल्स को दी जाती है। बट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शेफ जो हैं वो मेल भी हैं, आप जानते ही हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, नाम भी जानते होंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नाउ हेलो इफेक्ट। किसी को अपने पास आता देखकर हमारे मन में एक धारणा बनी हुई है, एक सिंगल बिहेवियर हमारे माइंड में है कि नहीं ये पर्सन तो अच्छा ही होगा, है ना, तो वो होता है आपका हेलो इफेक्ट। कि लाइक उसका बिहेवियर और उसका जो कह सकते हैं कि लाइक किसी को देखकर हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, तो वो पॉजिटिव चीजें जो आ रही हैं ना दैट इज द होलो इफेक्ट। ठीक है ना, वो पॉजिटिव वाला जो फंडा होता है वो होता है आपका होलो इफेक्ट, है ना, कि लाइक ये पर्सन अच्छा काम करता है, ये पर्सन अच्छा ही करेगा, एक बार अच्छा किया तो हर बार अच्छा ही करेगा, दैट इज द होलो इफेक्ट। तो वहां पर भी परसेप्शन आ गया। फिर आता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन एरर। फर्स्ट इंप्रेशन, पहली बार आप किसी से मिले और मिलते ही किसी बात पर आपकी बहस हो गई,
अब आपने एक इम्प्रेशन क्रिएट कर लिया है, उसके लिए एक माइंड में एक परसेप्शन बना लिया, यार ये बंदा तो सही हो ही नहीं सकता, ये आपने बना लिया। ऑल्दो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत सही है, लेकिन एक फर्स्ट इंप्रेशन वाला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला फंडा जो है ना, वो ही एक एरर क्रिएट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी सहमत होंगे इस बात से, तो लाइक जरूर करना। अब आता है कंट्रास्ट इफेक्ट। जो कंट्रास्ट इफेक्ट होता है आपका, वो कुछ इस तरह का होता है कि हम एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल कि लाइक स्पोर्ट्स में आप देख लो, यार ये बंदा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो जरूर ये इस काम में अच्छा होगा, इस तरह से हम यहाँ पर करते हैं। या फिर जैसे हमने देखा कि किसी पर्सन का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो हम कहते हैं कि यार इसके एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो दैट मीन्स कि ही इज अ गुड डिसीजन मेकर। तो आप कंपैरिजन करने लगते हो दो इवेंट्स के बीच में, दो क्वालिटीज के बीच में, दो पर्संस के बीच में, तो वो चीज आपकी कहलाती है कंट्रास्ट इफेक्ट। आपके पास मिस्टर ए भी है और मिस्टर बी भी है। मिस्टर ए के 70% मार्क्स है और मिस्टर बी के 90% मार्क्स हैं। अब आपने क्या किया कि यहाँ पर एक परसेप्शन डिसाइड कर रखा हुआ है कि यार ये पर्सन जो है ना, यही सबसे सही होगा क्योंकि इसके 90% मार्क्स हैं। आपने इंटरव्यू में ढंग से क्वेश्चन ही नहीं पूछे और आपने अपने मन से डिसाइड कर लिया और फिर आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, दैट इज दी कंट्रास्ट इफेक्ट। हो सकता है इसके पास नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होती। कंपैरिजन वाला इफेक्ट है कि भाई यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड को कंपेयर करके डिसाइड कर लिया। फिर आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इट इज सिमिलर टू जज दी अदर इफ वी अज्यूम दे आर सिमिलर टू अस। प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर एक तरह से कि मैंने ये सोच के रखा हुआ है कि जो मेरे जैसा दिख रहा है, मेरे लाइक सिमिलर टू अस, हमारे जैसा जो है, हम इस तरह का जजमेंट कर लेते हैं जैसे कि अरे ये मेरे गांव का है। प्रोजेक्शन माइंड में एक धारणा क्रिएट कर ली है, ये मेरे गांव का है तो ये बंदा बहुत अच्छा होगा, है ना। तो वो वाली जो फीलिंग आती है ना, तो वो वाली फीलिंग प्रोजेक्शन होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकती है ना, परसेप्शन क्रिएट करने में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकती है। वही इम्प्लिसिट पर्सनालिटी थ्योरीज भी कुछ एक तरह का एक परसेप्चुअल एरर्स को क्रिएट करवाता है, जहाँ पर ओपिनियंस फॉर्म्स होते हैं दूसरे पर्सन्स के लिए अपनी खुद की कुछ मिनी थ्योरीज के ऊपर कि हाउ पीपल बिहेव। लाइक जैसे कोई बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है तो उसके लिए एक धारणा क्रिएट हो गई है तो बहुत आलसी है ना। किसी आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा जो भाग भाग के काम कर रहा है, ये नहीं देख रहा वो काम क्या कर रहा है, अरे ये तो बहुत फास्टली काम करता है, जल्दी जल्दी काम करता है, हो सकता है वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा हो। तो छोटी छोटी थ्योरीज के बेसिस पर धारणाएं क्रिएट हो जाती हैं, दैट इज इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी थ्योरी। तो दे आर दी बेसिक परसेप्चुअल एरर। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, बट मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिलेक्टिव परसेप्शन कि आप यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर रहे हो। स्टीरियोटाइप जो पुरानी स्टीरियोटाइप मतलब जो एक कहावत है, रूढ़िवादिता जो है वो यहाँ पर आ रही है। हेलो इफेक्ट पॉजिटिव चीजों को देख रहा है पूरे टाइम। प्रोजेक्शन कंट्रास्ट कंपैरिजन कर रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, प्रोजेक्शंस अज्यूम सिमिलरिटीज को लेकर हो रहा है, और इम्प्लिसिट पर्सनालिटी यहाँ पर छोटी छोटी थ्योरीज पीपल के बिहेवियर के बेस पर बना के रखी हुई है। तो दे आर दी बेसिक परसेप्चुअल एरर्स। एक चीज और मुझे आपको बतानी है गाइस, ध्यान दीजिएगा, सॉरी जस्ट वेट अ सेकेंड। जैसे हमने यहाँ पर बताया, उसी तरह से कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं ना, इन परसेप्चुअल एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम कुछ स्ट्रैटेजीज जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि लाइक परसेप्चुअल स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत सिंपल सिंपल सी है। जैसे कि पहली चीज तो इन्हेंसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाना सबसे पहली चीज है। नॉलेज इन्हेंसमेंट, नॉलेज को इंक्रीज करना किसी भी चीज को लेकर, अगर आप अपना परसेप्शन रख रहे हो पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद अपना ओपिनियन दीजिए। सो नॉलेज इज मस्ट गाइस, कोई भी चीज क्यों ना हो। जैसे अभी एनटीए को लेकर बहुत सारी धारणाएं क्रिएट हो रही है, बहुत आलसी है, ये है वो, भाई समझो बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी इसलिए इतना डिले हो रहा है। तो नॉलेज फर्स्टली, उसके बाद अपना ओपिनियन बनाइए। फिर हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज टेक अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे और फिर अपना डिसीजन सही तरीके से ले पाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और लाइक
ये फर्स्ट इंप्रेशन वाला जो फंडा है इसको हटाइए, कोशिश कीजिए कि चीजों को समझिए। पहली बार कुछ गलत हुआ कोई बात नहीं, आप दूसरी बार भी उस चीज को ट्राई कीजिए, अपना इंप्रेशन उसके बाद क्रिएट करिए, तो वो एक चीज है आपकी। दूसरा कम्युनिकेट ओपनली, है ना, ओपनली कम्युनिकेट कीजिए सबके साथ में, कम्युनिकेशन प्रॉपर रखिए, ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कम्युनिकेशन आपका ओपनली रहता है तो आप ये समझ लीजिए बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी। फिर डाइवर्सिटी को, यहाँ पर आप जरूर ध्यान रखिए, है ना, वर्कफोर्स डाइवर्सिटीज लेकर आइए, तो उससे भी आपके परसेप्शन बहुत अच्छे क्रिएट होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जानेंगे, तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा तरीका होता है परसेप्शन को सुधारने के लिए। तो दिया कि कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं जिनके बेसिस पर, या कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनके बेसिस पर हम अपने परसेप्शन को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि परसेप्शन से जुड़े हुए सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। व्हाट इज परसेप्शन, टाइप्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन प्रोसेस, परसेप्शन के एलिमेंट्स क्या क्या थे, क्या क्या फैक्टर्स थे, परसेप्चुअल एरर्स क्या होती हैं, और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो परसेप्शन की स्किल्स को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस। सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।